स्टार्ट पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 पर क्लिक करें, यह पहले से बने हुए कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, यदि आप उन्हें खोलना चाहते हैं तो उन पर क्लिक करें। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल पे जाएं, न्यू पर क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट या वेबसाइट चुनें। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करें या किसी और अन्य एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। यहाँ कुछ अन्य एप्लीकेशंस हैं, अन्य कुछ सर्विसेज हैं जैसे वेब, स्मार्ट डिवाइस सर्विसेज एक्सेट्रा। ऑफिस में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट 2007 और 3 के लिए कंपोनेंट्स का निर्माण भी कर सकते हैं। यह रिपोर्टिंग टूल्स हैं जिसको कि हम रिपोर्ट और सिस्टम रिपोर्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से यह सारी सर्विसेज आपको C# में भी मिलेंगी। विजुअल बेसिक में जाएं, विंडोज चुनें, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, इसे एक नया नाम दें, एप्लीकेशन का नाम लिखें, लोकेशन सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। ब्राउज पे आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें और एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पहला पेज खुल जाएगा। यह आपके प्रोजेक्ट का नाम है और यह है आपके प्रोजेक्ट का पहला डिफॉल्ट विंडो फॉर्म। नए फॉर्म को जोड़ने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करें और ऐड पर क्लिक करें। न्यू आइटम पर क्लिक करें। न्यू आइटम जोड़ने के लिए एक्जिस्टिंग आइटम पर क्लिक करें। पहले से बना हुआ कोई आइटम प्रोजेक्ट में लाने के लिए न्यू आइटम पर क्लिक करें और इस विंडो से
विंडो फॉर्म्स पे क्लिक करें, विंडो फॉर्म सिलेक्ट करें, फॉर्म को नाम दें और ऐड पर क्लिक करें। एक नया विंडो फॉर्म आपके एप्लीकेशन में जुड़ जाएगा। फॉर्म टू पर एक लेबल खींचे, फॉर्म टू पर एक और लेबल खींचे, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें और अब लेबल को बदलें। फॉर्म टू पर क्लिक करें और व्यू कोड करें, यह आपको कोड विंडो पर लेके जाएगा। इवेंट सिलेक्ट करें, दोबारा डिजाइन विंडो पे जाएं और फॉर्म टू का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। F5 प्रेस करें या प्रोजेक्ट को रन करें, अपना यूजर नेम डालें, और पासवर्ड भी डालें, लॉगिन पर क्लिक करें। अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो वह आपको हाय हमें या हाय उसके आगे जो भी आपने यूजर नेम डाला है वह दिखाएगा। यदि आपका पासवर्ड गलत होगा तो वह आपको प्लीज एंटर करेक्ट लॉगिन इंफॉर्मेशन करके एक वार्निंग शो करेगा। यह एक डिफॉल्ट विंडो फॉर्म है। एक बटन को फॉर्म पर खींचें, एक लेबल को फॉर्म पर खींचें, एक एक्सबॉक्स को फॉर्म पे खींचे, और एक और टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्म पे खींचे।
बटन पे डबल क्लिक करें और प्रॉपर्टीज देखें। बटन का टेक्स्ट लॉगिन निर्धारित करें। इसी प्रकार से बटन 2 का टेक्स्ट कैंसिल निर्धारित करें। अब लेबल का टेक्स्ट यूजर नेम और पासवर्ड निर्धारित करें। लॉगिन बटन पर डबल क्लिक करें और कोडिंग विंडो पर आगे दिया गया कोड डालें। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की तुलना के लिए एक कोड लिखें। यह कुछ इस प्रकार होना चाहिए। पहले बिल्ड मेन्यू पर क्लिक करें और प्रोग्राम को बिल्ड करें। नीचे की ओर आप स्टेटस देख सकते हैं प्रोग्राम का। बिल्ड सफल हो चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल। अब प्रोग्राम को डीबग करें और स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक करें। यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें। Your login information are matched with username and password. और अब गलत जानकारी दर्ज करके गलत जानकारी पर कंप्यूटर क्या दर्शाता है वह चेक करें। लॉगिन पर क्लिक करें। प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। विजुअल स्टूडियो की विंडो खोलें। यह फॉर्म 1 है। यह आपका लॉगिन पेज है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में हमिंगबर्ड पर डबल क्लिक करें। ऐड करें न्यू आइटम। वर्तमान प्रोजेक्ट में विंडो फॉर्म को जोड़ें। विंडो फॉर्म का नाम बदलें। यह आपका नया जोड़ा हुआ फॉर्म है। इसका नाम है फॉर्म 2। फॉर्म 2 पर एक ग्रिड व्यू को खींचें। ग्रिड व्यू के द्वारा आप अपने डेटाबेस में रखे किसी टेबल को अपने विंडो फॉर्म पर प्रदर्शित कर सकते हैं। विंडो फॉर्म 2 ग्रिड व्यू कंट्रोल्स में प्रॉपर्टीज में डेटा सोर्स विकल्प पर क्लिक करें। ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स पर क्लिक करें। डेटाबेस पर क्लिक करें।
व्यू कनेक्शन पर क्लिक करें और किसी एक कलेक्शन को सिलेक्ट करें, उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पर क्लिक करें, कंटिन्यू करें, यहां सर्वर का नाम डालें, विंडोज ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें, एक डेटाबेस सिलेक्ट करें, उदाहरण के लिए हम अमित डेटाबेस लेते हैं, टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करके देखें कि कनेक्शन सही है या नहीं, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल आने पर ओके क्लिक करें और फॉर्म पर पुनः ओके क्लिक करें। कनेक्शन स्ट्रिंग पर क्लिक कर आप कनेक्शन स्ट्रिंग पढ़ सकते हैं, यह आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट पर क्लिक करें, यदि आप इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव करें किसी एक नाम से, क्लिक करें नेक्स्ट पर, इस डेटाबेस में से आप जिन जिन चीजों को इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें, जैसे टेबल्स में यह मौजूदा 3 टेबल्स हैं, इन्हें आप सिलेक्ट करें और फिनिश पर क्लिक करें। यह आपका अडेप्टर है, यह बाइंडिंग सोर्स है और यह आपका बाइंडिंग सोर्स है। डेटा ग्रिड व्यू को अपने मुताबिक देखें और फॉर्म पर एक्सटेंड करें। चलाने के लिए F5 प्रेस करें। यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जानकारी सही होने पर फॉर्म आपको डेटा ग्रिड व्यू वाले फॉर्म पर ले जाएगा, जहां आप डेटाबेस में मौजूद सभी डिटेल्स को अपने फॉर्म पर देख सकते हैं। गलत पासवर्ड दर्ज करने पर आपको विंडो पर नहीं ले जाया जाएगा। प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड का एक डायलॉग आपको सामने दिया जाएगा। फाइल मेन्यू पर जाएं और न्यू वेबसाइट पर क्लिक करें। ASP.NET वेबसाइट चुनें। ब्राउज पर क्लिक करके जगह सिलेक्ट करें जहां आप अपनी वेबसाइट को सेव करना चाहते हैं। न्यू फोल्डर बनाएं और अपनी वेबसाइट को एक नाम दें। यह आपका टूल बॉक्स है, यह सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है जहां फाइलों की सूची मौजूद है, यह आपका डिफॉल्ट ASPX पेज है, सोर्स आप केवल HTML कोड दर्शाता है, स्प्लिट आपके डिजाइन और HTML को 2 भागों में दर्शाता है और डिजाइन से आप मात्र डिजाइन व्यू देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का या वेबसाइट का। पृष्ठ का नाम है default.aspx। ASPX ASP.NET द्वारा बनाई गई फाइलों के पृष्ठ का एक्सटेंशन होता है।
यह आपका DIV टैग है। टेबल मेन्यू पर जाएं और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। तीन रो और चार कॉलम की यह टेबल है। मेंशन करें सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की वैल्यूज डालें। ओके पर क्लिक करें और यह चार कॉलम और तीन रोज की एक टेबल आपके सामने है। इस टेबल को अपने मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहां आप कुछ टेक्स्ट लिखें, डिस्प्ले न्यू पेज विद यूजर नेम। नया लेबल पेज पे डालें। कैलिब्री फॉन्ट चुनें और साइज रखें 12 पॉइंट। बटन पर राइट क्लिक करें और टेक्स्ट का नाम बदलें। एक रिक्वायर्ड फीड वेंटिलेटर डालें जिससे कि एक एरर मैसेज सेट करे, प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ASP लेवल के टेक्स्ट को रिक्त करें। आप बटन के बैकग्राउंड कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी का रंग चुनें। प्लीज एंटर यूजर नेम। यह एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है। यह प्रेस पहले से पिछले वीडियो में हम डिजाइन कर चुके हैं। यह एक बटन कंट्रोल है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करें, वेबसाइट पर जाएं, न्यू आइटम ऐड करें, एक वेब फॉर्म
जिसका कि नाम आप डिफ़ॉल्ट या कुछ भी रख सकते हैं, रखें, ऐड करें। यह एक नया पृष्ठ है। एक लेबल पेज पर रखें। आप लिखें हाउ लेबल हाउ आर यू, और पहले पेज पे जो आप वैल्यू डालेंगे पहले पेज पे डाली गई वैल्यू को इस प्रोग्राम में दूसरे पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा अन्य टेक्स्ट के साथ। फील्ड स्ट्रिंग वेरिएबल है। पेज पर डबल क्लिक करें। इस फील्ड में कुछ भी वैल्यू डालें। टेस्ट पर क्लिक करें। यह वैल्यू गलत है। सही नाम प्रदर्शित करें। टेस्ट पर क्लिक करें। यह अगले पेज पर दिखाई देगा। हाय हमिंग हाउ आर यू। यह शब्द हमिंग पहले पेज पर डाली गई वैल्यू के आधार पर लिया गया है।